नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। दुनिया के सबसे बेशकीमती कोहिनूर के बारे में अक्सर चर्चा होती है कि ये भारत से इंग्लैंड ले जाया गया और इस पर कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद इसे क्वीन विक्टोरिया के सिर के ताज पर सजाया गया। कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि इसे भारत वापस लाया जाएगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कोहिनूर के अलावा एक और बेशकीमती पत्थर क्वीन विक्टोरिया को इतना पसंद आया कि वो उसे भारत से ब्रिटेन लेकर चली गई। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उस समय में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के लिए दिल्ली के दरबार में नुमाइश लगाई गई थी। उस नुमाइश में क्वीन को एक पत्थर बेहद पसंद आया, जिसे वो अपने साथ ले गई। उस पत्थर का नाम था शजर। ये उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला पत्थर है, जो अपनी सुंदरता और अनोखेपन के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। सबसे पहले बात इसके नाम की करें तो इन पत्थरों का नाम इन पर कुदरती रूप से उकेरी हुई पेड़, पत्ती, पक्षी की अलग अलग तरह की आकृतियों के कारण ही शजर पड़ा, जिसका अर्थ होता है वृक्ष। पत्थर पर बनी इन आकृतियों के बारे में कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात जब चांदनी किरणें इन पत्थरों पर पड़ती हैं, तो उनके बीच में जो भी आकृति आती है वो इन पत्थरों पर आ जाती है। आज इस एपिसोड में कुदरत के इस नायाब नमूने का जिक्र इसलिए क्योंकि हाल ही में शजर पत्थर को GI टैग का प्रमाण पत्र मिला है। एक जिला एक उत्पाद में शामिल बांदा के शजर पत्थर से तराशे गए आभूषण और अन्य सामान की विदेश तक बिक्री होती है, जहां बिचौलियों की वजह से व्यवसायियों को घाटा होता है, वहीं अब GI टैग मिलने के बाद कारोबारियों को सीधे लाभ मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेत है। ये एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो GI टैग बताता है कि विशेष उत्पाद किस जगह पैदा होता है या इसे कहां बनाया जाता है। यूपी में शजर पत्थर बांदा की केन नदी में पाया जाता है, जिसकी खोज सबसे पहले लगभग 400 वर्ष पूर्व अरब से आए लोगों ने की थी। वह इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान थे। पत्थरों को कुदरती रूप से बनी आकृतियों के कारण ही इसका नाम शजर रखा गया। लगे हाथ कुछ महत्वपूर्ण बातें केन नदी से जुड़ी भी जान लेते हैं। दरअसल केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिले में विंध्याचल की कैमूर पर्वतमाला में होता है, फिर पन्ना में इससे कई धाराएं आकर जुड़ती हैं और आखिर में इसका यमुना से संगम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में होता है। लौटते हैं शजर पर। दरअसल ये एक ए ग्रेड श्रेणी का सबसे मजबूत और महंगा पत्थर है। अब अगर शजर उद्योग को थोड़ा करीब से देखें तो इसे अपने वास्तविक रूप में लाने के लिए शजर शिल्पकारों को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। नदी से शजर की पहचान कर उसे काटने और तराशने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसके बाद शजर की असली सूरत सामने आती है और तभी उसकी कीमत भी तय होती है। इस व्यवसाय से जुड़े लोग बताते हैं कि पहले बांदा में औद्योग से जुड़े करीब 70 से 80 कारखाने हुआ करते थे। इससे बने ज्वेलरी और बेशकीमती उपहार विदेशों तक जाते थे। इसकी बेहतरीन कारीगरी के लिए कई बार यहाँ के शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया है। हालांकि ज्यादा लागत और कम आमदनी के कारण यहाँ के ज्यादातर कारखाने बंद हो गए और बहुत कम लोग अब इस व्यवसाय से जुड़े हैं। हालांकि इसे सरकार द्वारा OGOP में शामिल किया जाने के बाद से ही व्यवसाय में तेजी आने की उम्मीद है। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।